नमस्कार, स्वागत है आपका जनसंदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंदिरा नगर स्थित डिविनिटी होम अपार्टमेंट में पत्नी और दो बच्चों का कत्ल कर फरार डॉक्टर सुशील का शव मिला है। पुलिस ने वारदात के 10वें दिन डॉक्टर सुशील का शव जाजमऊ गंगा पुल के पास से बरामद किया। डॉक्टर की जेब से उसका पर्स भी मिला, जिसमें परिचय पत्र, आधार, एटीएम कार्ड और कुछ पैसे थे। दो पत्ते नशीली गोलियां भी बरामद की गईं। ये वही गोलियां हैं जिसका डॉक्टर लती था। बहरहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल 3 दिसंबर की शाम डॉक्टर ने अपनी शिक्षक पत्नी चंद्रप्रभा, बेटा शिखर और बेटी खुशी की निर्ममता से हत्या कर दी थी। वारदात के बाद रूरा में तैनात भाई को मैसेज कर जानकारी भी दी थी। मैसेज पढ़कर फ्लैट पहुंचे भाई के सामने पुलिस ने दरवाजे का लॉक तोड़ा और अंदर दाखिल हुई, जहां पत्नी और बच्चों के शव अलग अलग कमरों में पड़े मिले थे। बरामद नोट से पता चला कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से डॉक्टर सुशील दहशत और डिप्रेशन में था। वारदात के बाद से वो फरार हो गया था। डॉक्टर सुशील मंधना के रामा मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग में हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद पर तैनात भी थे। शुक्रवार शाम 5:32 पर रूरा निवासी अपने भाई सुनील को सुशील ने मैसेज भेजा कि भैया पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, मैंने डिप्रेशन के चलते मैसेज देखकर सुनील ने फ़ोन करना शुरू किया तो कोई जवाब किसी के नंबर से नहीं मिला। वह आनन फानन में अपार्टमेंट पहुंचे, दरवाजा ना खोलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस दरवाजा तोड़कर भीतर घुसी तो देखा कि चंद्रप्रभा, शिखर और खुशी का शव अलग अलग कमरों में पड़ा हुआ था। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, एडिशनल CP क्राइम आनंद प्रकाश तिवारी, DCP क्राइम सलमान ताज पाटिल के साथ मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने 3 घंटे तक तफ्तीश करते हुए साक्ष्य जुटाए थे। डॉक्टर सुशील कुमार मूल रूप से रायबरेली के रहने वाले थे। सुशील कुमार ने हथौड़े से चंद्रप्रभा का सिर कूंच दिया था। जिस तरह से सिर क्षत विक्षत था, उसे स्पष्ट है कि जब तक चंद्रप्रभा की सांसें थम नहीं गई होंगी तब तक वो उन पर वार करता रहा होगा। वहीं शिखर और खुशी का गला घोटा गया था। डॉक्टर को 10 दिन से पुलिस खोज रही थी। जल पुलिस की एक टीम ने दोपहर में गंगा पुल के नीचे शव उतरवाया और देखा तो सूचना दी। नजदीक से देखने पर शव डॉक्टर का पाया गया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।